फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के सुहाग नगर इलाके में डाकखाने की किस्त न जमा करने व फ्रॉड करने को लेकर लोगों ने किया जमकर किया हंगामा। पुलिस ने फ्रॉड करने वाली दो महिलाओं समेत तीन लोगों को लिया हिरासत में। करीब ₹3-4 करोड़ की ठगी का आरोप। हंगामा और भीड़ की तस्वीर है सुहाग नगर सेक्टर 2 की। शनिवार की देर रात करीब 11:30 बजे करीब भीड़ ने रवि गुप्ता नामक डाकखाना एजेंट के घर को घेर लिया। फिर क्या था, FD की किस्त न जाम करने व ठगी करने का आरोप लगाकर हंगामा किया। घटना की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। भीड़ ने करीब 1-2 घंटे तक हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रवि गुप्ता और उसकी पत्नी और मां को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित लोगों की माने तो डाकखाने की किस्त जाम करने के नाम सैकड़ों लोगों ने रुपया लिया था, वो रुपया डाकखाने में जाम नहीं किया है, पैसा गमन कर घर में ताला लगा फरार हो गए थे। पता चला था कि सामान निकालने आए हैं, इसी दौरान पकड़ लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेरा अनूप गुप्ता नाम है भैया। हंगामा ये हो रहा है कि आज से 4-5 दिन पहले ये लोग घर छोड़कर भाग गए थे, तो ये ताला पड़ा है। लोग पूछ रहे थे कहाँ है। अभी यहाँ पर आए हैं तो इनसे कहा गया है कि हमारे भाई पासबुक दो, हमारे पैसे लाओ, कहाँ है। तो ना तो ये हमें पासबुक दे रही, ना हमारे पैसे दे रही। पासबुक से हमें ये मालूम पड़ा कि हमारे पैसे डाकखाने में है या नहीं। लोग हम लोग दिखाने गए हैं तो मैं कोई पैसे नहीं है डाकखाने में। ऐसे कितने लोग आए हैं? ऐसे ये 400-500 लोग होंगे फिलहाल है, मगर कुछ लोगों को पता नहीं, वो आए नहीं है। वो लोग अभी आए नहीं, उनको मालूम पड़ते यार पूरा इनका गबन कम से कम 4-5 करोड़ रुपए का गबन है पूरा। अब ये पासबुक दे तो मालूम पड़े पैसा हमारा है कि नहीं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रवि गुप्ता मीना।